आज हम बनाएंगे इंस्टेंट रवा मसाला इडली, और इसे हम बनाएंगे बिना किसी मोल्ड के प्लेट में, इसलिए इसे कहा जाता है प्लेट इडली। और उसी के साथ हम बनाएंगे चना दाल की चटनी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भाविका चावला, वेलकम टू भाविकास किचन क्लासेस। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है ये एक बाउल, और ये मैंने ली है बारीक वाली सूजी, या इसे आप रवा भी कह सकते हैं। अगर आपकी सूजी या रवा थोड़ा सा मोटा है तो आप उसे मिक्सर में ग्राइंड करके फाइन कर सकते हैं। तो ये मैंने लिया है एक कप, ये मैं ले रही हूँ अराउंड उसी कप से मैंने मेजर किया है। आप घर की कोई भी बाउल या कटोरी ले सकते हैं मेजरमेंट के लिए। तो एक कप मैंने सूजी ली थी, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3/4 कप दही, ये वही रेगुलर दही है जो हम घर पे जमाते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/2 कप पानी। अगर आप कोई भी बाउल ले रहे हैं तो उस बाउल से आप 1/2 पानी लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये देखिए, इसमें 1/2 कप पानी ऑलमोस्ट मैं डाल चुकी हूँ। इस तरह का बैटर आपका होना चाहिए। अब इसे हम रेस्ट करने के लिए रखेंगे अराउंड 15 से 1/2 घंटे तक। सो इसे हम रख देते हैं ताकि सूजी जो है वो अच्छे से फूल जाए, एंड उसके बाद हम देखेंगे उसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करेंगे थोड़ा और पानी ऐड करके। तो 1/2 घंटा हम इसे छोड़ देते हैं रेस्ट करने के लिए। तो जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है, आप थोड़ा सा टाइम निकालिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस कीजिए। उसके बाद एक कॉलम आएगा ऑल बटन, उसे भी आपको प्रेस करना है। ये सारी प्रोसेस करने से ही आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहेगी। जब तक हमारा इडली का बैटर रेस्ट कर रहा है, तब तक हम उसके साथ जो सर्व करने वाले हैं चना दाल की चटनी, वो हम रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ये पैन लिया है, एंड उसमें मैं डाल दूंगी ये 2 टेबलस्पून ऑयल, 2 चम्मच तेल। इसे गरम होने देते हैं। जैसे ये तेल गरम होता है, यहाँ पे मैंने ली है ये 1/4 कप चना दाल। ये वही चना दाल है जिसकी हम सब्जी बनाते हैं, चावल के साथ खाते हैं, कच्ची है ये, भुनी हुई चना दाल नहीं है। इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है, और इसे तब तक हम फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ना हो जाए, गोल्डन ब्राउन इसका कलर आ जाना चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये लहसुन की कुछ कलियां, और इसमें जाएंगे ये करी पत्ते, ये मैंने अदरक को पीस लिया है, ग्रेट की हुई अदरक डाल देंगे, ये 1 चम्मच है अराउंड 1 टीस्पून। और मैं डाल दूंगी ये 4 ड्राइड रेड चिलीज, ये कश्मीरी चिलीज है, ये बिल्कुल स्पाइसी नहीं होती है। एंड इसमें जाएगा 1 टीस्पून सॉल्ट। अब गैस को कर देते हैं बंद और इसे ठंडा होने देते हैं। जैसे ये ठंडा हो जाएगा, इसे मैं मिक्सर में ग्राइंड करूंगी। ये देखिए, ये मिक्सचर ठंडा हो चुका था, तो इसलिए मैंने इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है।
अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये पानी अराउंड 1/4 कप, और इसे मैं ग्राइंड कर लूंगी। हो सकता है ग्राइंड करते वक्त आपको थोड़ा पानी लगे, और कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए तो आप थोड़ा और पानी डाल सकते हैं। अब मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। ये देखिए हमारी चटनी हाफ ग्राइंड हो चुकी है, लेकिन अब मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी। मैं इसमें ये 2 टेबलस्पून दही डाल रही हूँ, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। अब मैं इसे फिर से ग्राइंड कर लूंगी। सो ये लीजिए, रेडी हो चुकी है हमारी चना दाल की चटनी। बहुत ही मज़ेदार चटनी बनती है ये। इसे इडली डोसा इसके साथ अगर आप खाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत टेम्पटिंग लगती है। इसे ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इस चटनी को मैं एक बोल में निकाल देती हूँ और हम इसे तड़का लगा देंगे। सो ये देखिए, मैंने इस चटनी को बाउल में निकाल दिया है और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर ली है। अब हम इसका तड़का रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है ये तड़के का पैन, एंड इसमें मैं डाल दूंगी ये ऑयल, ये 1/2 टीस्पून। अब इसमें डाल देंगे राई, इसे अच्छे से क्रैकल होने देते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये कुछ करी पत्ते और हिंग। तो ये हमारा तड़का हो चुका है रेडी। तड़का डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। सो ये रेडी हो चुकी है हमारी चना दाल की चटनी इडली के साथ। आइए तो अब हम इडली के लिए मसाला रेडी करते हैं। सो यहाँ पे मैंने ये लिया है पैन, अब इसमें डालेंगे ऑयल अराउंड 1 टेबलस्पून। इसमें डाल देंगे राई, कड़ी पत्ते, थोड़ा सा डालेंगे हींग, ये लिए मैंने 1 टीस्पून उड़द दाल, और बिल्कुल 1/2 टीस्पून ये चना दाल ली है। ये बिल्कुल दोनों कच्ची दालें हैं, इन्हें हमें इन्हें रोस्ट करना है, फ्राई कर लेना है अच्छे से। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ वेजीज, ये मैंने लिया है फाइनली चॉप किया हुआ ऑनियन, फाइनली चॉप की हुई गाजर, और फाइनली चॉप किया हुआ कैप्सिकम। ये सारे वेजिटेबल्स हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे ये 4 टेबलस्पून मैंने स्वीट कॉर्न लिया है, और बॉईल किए हुए 4 टेबलस्पून मैंने मटर लिए। यहाँ पे आप अपनी पसंद की, अपनी चॉइस की कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। आप इसमें ब्रोकली ऐड कर सकते हैं, बीन्स ऐड कर सकते हैं, जो भी वेजिटेबल्स आपके पास घर पे अवेलेबल हो वो वेजीज आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ मैं ले रही हूँ ये ग्रीन चिलीज, इन्हें मैंने फाइनली चॉप किया हुआ है, 2 ग्रीन चिलीज मैंने ली है। और हम डाल देंगे ये 1 टीस्पून सॉल्ट, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन वेजीज को थोड़ा हम पकाएंगे अराउंड 5 से 10 मिनट के लिए, बिल्कुल मशी नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कुक करना जरूरी है। सो इसे रख देती हूँ मैं ढक के अराउंड 10 से 12 मिनट के लिए। ये देखिए हमारे बैटर को अराउंड 15 से 20 मिनट आधा घंटा हो चुका है। इसकी मैं कंसिस्टेंसी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें सूजी डाली थी, तो सूजी तो पानी पीती ही है, इसलिए अब मैं इसमें थोड़ा और पानी ऐड कर रही हूँ ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इडली बैटर के जैसी बन जाए।
ये देखिए अब ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। ये देखिए हमारे वेजीज अच्छे से कुक हो चुके हैं, बहुत ज्यादा इन्हें मशी नहीं करना है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ क्योंकि हम इसे थोड़ा ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसे इडली बैटर में डालेंगे। सो ये देखिए ये हमारा मिक्सचर हो चुका है ठंडा, अब मैं इसे डाल दूंगी इस बैटर में। अब इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। देखिए कितनी कलरफुल लग रही है ना हमारे इडली का बैटर। तो आप वेजीज जितनी चाहे डाल सकते हैं, बहुत ही हेल्दी इडली बनती है ये और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ पर मैंने ये लिया है इनो फ्रूट सॉल्ट, एक ही सैशे ले रही हूँ मैं क्योंकि मैंने 1 कप सूजी ली है, तो उस हिसाब से आपको 1 पैकेट इनो लेना है। इसके ऊपर थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो ये हमारा बैटर यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब देखिए ये मैंने ली है कुछ प्लेट्स क्योंकि हम बना रहे हैं प्लेट इडली, तो ये मेरे पास छोटी छोटी स्माइली प्लेट्स हैं। इन्हें इस तरीके से हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब ये बैटर जो है वो हम इस प्लेट में डाल देंगे। आपके पास जो भी प्लेट अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं, या आप किसी डब्बे का ढक्कन हो उसे भी यूज कर सकते हैं। देखिए इसे पूरा ऊपर तक नहीं भरेंगे, ये थोड़ी सी गैप छोड़ देंगे बिकॉज ये अच्छी खासी फूलने वाली है। ये देखिए इस तरीके से भर देंगे। ये देखिए मैंने ये एक पुरानी सी कढ़ाई ली है और मैंने इसमें पानी रख दिया है जो अच्छा खासा बॉयल हो रहा है, एंड ये स्टैंड रखा है। अब ये जो प्लेट है ये मैं इसमें रख दूंगी और उसके ऊपर रखेंगे ये हमारी इडली प्लेट इडली। तो इस तरीके से मैंने तीनों इडलीज रख दी है। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा के इसे स्टीम करने के लिए रख देंगे अराउंड 10 से 15 मिनट के लिए, और गैस को हम रखेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। सो ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इडली कितनी अच्छी खासी फूल गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, गैस को स्लो कर देंगे। ये इस तरीके से छुरी डाल के आप इसमें देखेंगे, देखिए बिल्कुल क्लीन आई है, यानी कि ये अंदर से भी अच्छी खासी पक चुकी है। अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए, उसके बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे। ये देखिए कितनी कलरफुल लग रही है हमारी इडली। अब ये स्पून का जो उल्टा साइड है इसे हम ले लेंगे। और इसे इस तरीके से इस प्लेट पे निकाल देंगे। ये देखिए कितनी इजीली ये डीमोल्ड हो चुकी है। सो ये देखिए रेडी हो चुकी है हमारी तड़का मसाला रवा इडली। लग रही है ना बहुत ही टेम्पटिंग एंड मजेदार, और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये, सिर्फ 1 चम्मच तेल से हमने बनाई है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। सो ये लीजिए रेडी हो चुकी है हमारी मसाला इडली, इंस्टेंट मसाला इडली, और उसके साथ ये चना दाल की चटनी।